फाउंडेशन और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की ओर से आज शाम आर्ट मैटर्स की एक नई किस्त में आपका स्वागत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद पहली बार इस आयोजन में आए हैं, तो उनकी सूचना के लिए ये फाउंडेशन भारत के महान चित्रकार सैयद हैदर रज़ा ने स्थापित किया, और जब वो हिंदुस्तान वापस आ गए अपने आखिरी 5.5-6 बरस यहाँ बिताने के लिए, तो इसमें विशेष सक्रियता आई और आर्ट मैटर्स का ये 86वां सत्र है। हम 11 बरस से ज़्यादा साल में 10 महीने ये आयोजन करते हैं। आज का आयोजन थोड़ा यानी हस्ब मामूल से अलग है, इस मानी में कि हम एक उर्दू उपन्यासकार से एक हिंदी उपन्यासकार, दोनों कथाकार भी हैं, की बातचीत रख रहे हैं। खालिद जावेद इस समय के जो महत्वपूर्ण कथाकार हैं देश में, उनमें उनकी गणना होती है। उनका उपन्यास नेमत खाना, जिस पर आज बातचीत होगी और उसके बहाने उर्दू कथा साहित्य पर भी बात होगी, अंग्रेज़ी में उसका जब अनुवाद हुआ तो उसका उसको काफ़ी कई लाखों का, अब मुझे खुदा जाने कितने लाख हैं, का उनको पुरस्कार मिला। उनका एक नया उपन्यास हिंदी में उनके उपन्यास प्रकाशित हुए, नेमत खाना भी हिंदी में प्रकाशित है। उनका एक नया उपन्यास जो उर्दू में तो आ चुका है, वो हिंदी में जल्दी ही राजकमल से आने वाला है। उनसे बातचीत करेंगे उदयन वाजपेयी, जो वैसे मेरे सबसे छोटे भाई हैं और मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, पर उनको इसलिए यहाँ नहीं बुलाया गया है। वो उपन्यास लिखते हैं, कविता लिखते हैं और कलाओं और सिनेमा में उनकी दिलचस्पी है, तो मैं आग्रह करता हूँ दोनों से कि वो आएं और शुरुआत करें। आप 45 से 50 मिनट की बातचीत हो तो अच्छा है, और उसके बाद कुछ सवाल जवाब के लिए अवसर होना चाहिए। तो आइए। शुरू कर दूंगा। आपको, आपने जिन्होंने हिंदी में उसको पढ़ा है, उर्दू में तो जो उर्दू से लोग बैठे हैं उन्होंने पढ़ा ही है, बहुत अच्छा इसका प्रकाशन हुआ है, बहुत लोगों ने इसका स्वागत किया है हिंदी में भी और उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी। ऐसे उपन्यास बहुत कम लिखे गए हैं और खालिद एक अपनी तरह के अनोखे लेखक हैं, क्योंकि इनकी कहानियां भी और ये उपन्यास भी, और इसका अगला जो उपन्यास है निमत खाने के बाद, इन्होंने एक और लिखा एक खंजर पानी में, और उसके बाद एक और जो अरसलान और बेजात करके जो उपन्यास आ रहा है, जिसका एक अंश हम लोगों ने समास में भी पत्रिका में छापा है। इस तमाम इन उपन्यासों में जो एक तरह से अप्रत्याशित है, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और किसी उपलब्ध आइडियोलॉजिकल ढांचे में भी नहीं रख सकते, ये किसी भी उपन्यास में ऐसा नहीं। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मैंने ऐसा उपन्यास हिंदी या भारत में लिखा हुआ नहीं पढ़ा था। और दूसरा वो विभत्स जो जीवन में है उसको इतनी सूक्ष्मता से रेखांकित करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, आलोकित करते हैं,
कि आपका जो आपकी जो जिंदगी है और आपका देखना सुनना वो थोड़ा फैल जाता है। आम तौर पर जुगुप्साजनक जो रिपग्नेंट होता है, विभत्स जो होता है, उससे आप नजरें चुराते, खालिद आपकी नजरों को पकड़ के वहां ला देते हैं और उसमें वो जुगुप्साजनक चीज वो आपके देखते देखते रस में तब्दील होती है। पहली बात ये कि ये बातचीत में मैं कोई खालिद से कुछ कन्फेशन के लिए नहीं, आजकल जो बातचीतें होती हैं खुद ही मेरे साथ एक हो गई अभी हाल में, उसमें कुछ ऐसा होता है जैसे हमने लिखा ना हो अपराध किया हो। आपने ऐसे क्यों कहानी लिख ली, आपका इसका क्या मतलब था, अच्छा हमारे साथ कुछ अधिक ही है कि आप फलाने जी के भाई हैं तो आप ऐसा क्यों वगैरह, और आपको उन्होंने सपोर्ट किया। मैंने उनको कहा भी कि हिंदी का लेखक कौन बनना चाहेगा, हिंदी के लेखक को मिलता क्या है, रीडर तक तो मिलता नहीं है। अब सब तो इतने भाग्यशाली नहीं होते ना कि उनको इंग्लैंड वगैरह के पुरस्कार मिले, हम नहीं है, ये उसके बाद भी आप लिखते हैं ना। बहरहाल तो ये उस तरह का कोई, वैसे भी जो कन्फेशनल इंटरव्यू होते हैं, हार्ट टॉक वगैरह, ये मेरी दृष्टि में यूरोप के फैशिज्म का प्रकटन है कि जहां हर चीज में अंग्रेजों ने यही किया है भारतीयों के साथ, आपको हमेशा सवाल पूछें और आप उनके जवाबों में फंसे रहें, तो उसी लिनियरिटी में बात होती, मैं बिल्कुल नहीं चाहता वैसी हो। दूसरा, खालिद का के साहित्य में आप देखेंगे उपमा नहीं है उतनी, उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा यानी उपमा वो होती है जो स्थापित हो गया, यानी जब आप तुलना करते हैं कि नहीं दो चीजों की, जैसे चेहरे की चांद से या हाथ की कमल से, ये स्थापित हो गए, इसलिए उनको उपमा कहा जाता है। संस्कृत में जो सिमिली या जो तुलनाएं स्थापित हो जाती हैं उनको हम उपमा कहते हैं। अच्छा, खालिद का मुझे अलग से भी पता है कि उनको बड़ी कोफ्त है उपमाओं से, ये उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा यानी एक ऐसी तुलना आप करें जो पहले नहीं हुई हो और जो अभी तक स्थापित नहीं हुई हो, जो एक किस्म से अभी, जिसको आप लिमिनल साम में कह सकते हैं, यानी जो अभी तक क्रिस्टलाइज नहीं हुआ है किसी चीज में। अब मैं उसके आपको कुछ उदाहरण, ताकि आपको थोड़ा उसका जायजा मिले। जिस तरह एक बदनसीब बदरिया अपने मुर्दा बच्चे की लाश को लादे लादे अपने दयनीय पेट से चिपकाए फिरती है, बिल्कुल उसी तरह हवा अपने पेड़ की लाश को ढो रही थी और उसके मलबे के नीचे पत्थर बन गई थी। हवा और पत्थर, और ये एक पतली नदी का शिकार करने के लिए कहीं से घूमकर एक भयानक सागर चला रहा था और नदी ठाठे मारते हुए सागर से मिलने को अपने अपना मुकद्दर मानती हुई धीरे धीरे खुद ही उसकी ओर रेंग रही थी। इसमें वो दोनों चीजें हैं, आप देखिए उसमें विभत्स भी है, लेकिन इस विभत्स से जो इंसाइट पैदा होती है वो विभत्स से ज्यादा बड़ी है, वो विभत्स को पीछे छोड़ जाती है। छत्ता जिसकी कोई जिसमें कोई मक्खी नहीं थी वह वीरान पड़ा था, इसलिए अब वह कत्थई सुनहरे सुनहरे रंग का न होकर खाली और सूखे शरीर की तरह सफेद था। अब वह अब छत्ता न होकर छत्ते का कफन नजर आता था। उसके होंठ, अभी होंठ देखिए वो उसको श्रृंगार से, ये खालिद कभी किसी वाक्य से अपनी किताब के किसी को टिटिलेट नहीं, ये इतने एंटी इरोटिक उस पे जाते हैं रास्ते पर, इरोटिक तो है लेकिन टिटिलेट नहीं हो सकते, अब उसको बिल्कुल पूरी तरह से काट दे। उसके होंठ सड़े हुए शहद से सने हुए थे और हमेशा के लिए एक दूसरे से भिज गए थे, ताकि अब तालू और हलक में खामोशी भी सड़ने लगे। खुदा की बनाई हुई सारी जमीन पर वह कागज के एक आवारा पुर्जे की तरह उड़ता फेरा, पहाड़ों और लंबे चौड़े पहाड़ी जंगलों पर, पहाड़ों जंगलों पर, समुद्र पर, तैरते बर्फ के तोंदों पर, पहाड़ों पर उन सोए हुए ज्वालामुखियों पर जो अपनी आग उगलकर खामोश हो गए थे और कब्रों की तरह थे। ज्वालामुखी और कब्र हमने कभी पढ़ा नहीं आज तक,
तो आप इनके ज्यादातर ये उत्प्रेक्षा का लेखक और उत्प्रेक्षा के जो लेखक होते हैं उनमें बनी बनाई धारणा नहीं मिलती, वो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, वो आपको उस दिशा में ले जाते हैं, उस तरफ आपको दिखाती हैं जहां आपको खुद सोचना पड़ता है। और जो उपमा होती है जिससे खालिद की जो चिड़ है बिल्कुल जायज है, वो एक बनी बनाई चीज हो, क्रिस्टलाइज होती है, जिसको फ्लावे ने अपने एक उपन्यास में जो आखिरी उनका पिनोशे उसका एक पहला कुछ और उस उपन्यास के अंत में एक छोटी सी डिक्शनरी दी है, उसको उन्होंने लिखा डिक्शनरी ऑफ रिसीव्ड आइडियाज। ये बने बनाए विचारों से जब भी उपन्यासकार फंसा आगे जाने के लिए, नहीं कोई रास्ता मिल रहा है, तो अगर वो बने बनाए विचार उसमें डाल देता है तो फ्लावे उसको प्रश्नांकित करते। खालिद के यहां आगे जाने का रास्ता कल्पना से ये लाते हैं, उत्प्रेक्षा के रास्ते लाते हैं, और ये उपन्यासकारों में कम मिलता है, कवियों में मिलता है, लेकिन उपन्यासकारों में। फिर खालिद ने इसी उपन्यास में उपन्यास के जन्म का क्या विचार है इनके मन में वो भी लिखा है। हवा चश्मदीद गवाह है कि वह इस तरह भटक रहा था जिस तरह अघोरी साधु शमशान में भटकते रहते हैं, ताकि किसी लाश में अपनी आत्मा प्रवेश कर उसे अपने फायदे के लिए प्रयोग कर सके। ये उपन्यास लेखन का खालिद की थ्योरी है कि ये उपन्यास क्या है कि आप भटकते हैं जगत जैसे शमशान में और उसमें मुर्दों में प्रवेश करती है आत्मा। अपनी इस दूसरा हिस्सा है बात का हिस्सा है, अपनी इस बेरहम दाग याददाश्त थका देने की हद तक उस वफादार कुत्ते से पीछा छुड़ाने की याददाश्त तो वफादार कुत्ता। मैंने यह तरकीब भी सोची कि मैं मुड़कर जल्दी से इस कुत्ते का पट्टा पकड़कर उसे उपन्यास के कुएं में धक्का दे दूं, ताकि अपनी याददाश्तों को मैं उपन्यास के रूप में ढाल दूं और अपनी जान छुड़ाऊं। ये किसी उपन्यासकार का मैं नहीं पढ़ा, मैं शायद मैं पढ़ा लिखा ना होऊंगा, हालांकि उसमें मुझे शक है, लेकिन तब भी। तीसरा और बात जो मैंने नोट की इस उपन्यास में अन्य चीजों के अलावा, वो ये है कि ये जो उपन्यास है ये एक तरह से मोहनजोदाड़ो जैसा है, मुर्दों का टीला। इसमें जितने चरित्र हैं मरने के बाद वापस आ जाते हैं, और मैं तो खैर ऐसा समझता भी हूं कि उपन्यासकार का या लेखक का काम जीवित और मृतकों के बीच तस्करी करना होता है। तो ये आप तस्करी को बखूबी खालिद के उसमें देख सकते हैं। मैं थोड़ा उदाहरण कुछ देता हूं। हवा ने देखा कि वह कन कटा खरगोश उसका साथ छुड़ाकर दरअसल में अपनी ही कब्र पर उगी घास खा रहा था। खरगोश वापस आ गया था। हवा ने मुर्दों के कदमों की धमक को खामोशी से सुना। वो सब आ रहे थे, ये सब चरित्र होने वाले उपन्यास के, उनकी संख्या को उनके कदमों की धमक से नहीं गिना जा सकता था। ये खालिद के इस उपन्यास में और अन्यत्र भी दूसरे उपन्यासों में भी ये उत्प्रेक्षा बहुत केंद्रीय है, ये जुगुप्सा का जो, लेकिन ये विभत्स रस का लेखक है, जुगुप्सा का नहीं। और किसी ने मुझे खालिद के उदाहरण थी कि उन्होंने थॉमस बर्नहार्ट की तुलना उनको की कि साहब आपको थॉमस बर्नहार्ट डिप्रेसिंग राइटर है, तो खालिद आपको उजास में ले जाते हैं, खालिद अंधेरे दिखा के आपको उस पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। खालिद ये उपन्यास नेमत खाना आपने लिखना कैसे शुरू किया था? खुला होगा बहुत देर आपने लिखना क्या, बस ये कि हमेशा से जो चूल्हे की जो आग थी वो जो रसोई हुआ करती थी, अब तो किचन है, जो मॉडर्न किचन का जो तस्वुर है वो बहुत से खाने के तस्वुर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये जो मॉडर्न किचन है ये तो तब आया जब वाटर सप्लाई आ गई। वाटर सप्लाई आने के बाद ही जो मॉडर्न किचन है इसकी ये कॉन्सेप्ट शुरू हुई कि
वो सिंह भी वहां होता है बर्तन धोने के लिए, वरना यह था कि रसोई है या कहीं दूर से जो है वो कुएं से पानी भर के लाना पड़ता था और बर्तन धोना पड़ते थे। तो हमारा जो हवाई घर तो ये तो वहीं से आया है क्योंकि वो बहुत बड़ा गौर से खाना था। अब ये नहीं कि जैसा ये इसके अंदर नाविल में बयान है वो नहीं है, लेकिन मैं वहां मैं बर्चे खाने में बैठ के मुझे खाना बहुत खाया मैं बचपन, यानी 6-7 साल की उम्र से लेकर 15-18 साल की उम्र तक वो बर्चे खाने में पटलियां बिछी होती थी और गर्म गर्म रोटियां पड़ती रहती थी और हम खाते रहते थे खाना। तो वहां मुझे ये बार बार महसूस होता था कि ये खाने के सुबह तो कोई और काम ही नहीं है, मतलब हम एक बार सुबह को चढ़ते हैं, फिर एक बार दोपहर में चढ़ते हैं, फिर उसके बाद तीसरे पैर चढ़ते हैं, फिर उसके बाद रात में चढ़ते हैं और फिर उसके बाद भी ये पूछते रहते हैं घर वाले सुबह क्या रखेगा। शादी तो मैंने कर ली मगर डर मुझे यही था शादी करने का कि मतलब अगर शादी हो गई तो क्या होगा कि सुबह सुबह बीवी जो है वो सीने पे मूंग दलेगी कि बताओ क्या पकाऊं। लेकिन थैंक गॉड कि ऐसी बीवी मुझे मिली ही नहीं जो मुझसे पूछती। तो ये मुझे बार बार ये महसूस हुआ कि भाई ये तो खाना और ये आग, और आग को मैंने देखा है भाई आग से खाना पक रहा है, अब वो गैस भी है अगर तो वो भी। तो उस तरह से मुझे ये लगा कि कुछ खानों के ऊपर तो लिखा जाए, लेकिन खाली खानों के ऊपर तो मैं लिख नहीं सकता था कुछ, वरना तो वो फिर एक मतलब रेसिपी की किताब हो जाती। और ये भी हुआ कि जब ये किताब मेरी 2014 में जब ये छपी और इसके ऊपर कुछ इसमें रिव्यूज आए तो बहुत से मेरे पास ऐसे पते आए कि आपने जो खाने के बारे में जो आपने किताब लिखी है कहाँ मिलेगी या आप वो मुझे भेज दीजिए। हाँ मेरे दोस्त बैठे बाकायदे किताब आई किताब, हम तो मतलब वो फूड स्पेशलिस्ट हैं या हमारा ये एक ही रेस्टोरेंट है और हम ये हैं और हम स्टीवर्ड हैं और हम शेफ हैं, तो आप इसके तो उनका मैंने भी बताया नहीं। तो खानों के बारे में किताब लिखना हमेशा एक खतरनाक बात भी है और एक मतलब ये है कि आप हमेशा ही पॉपुलर हो जाएंगे, क्योंकि खानों से ज्यादा पॉपुलर कुछ है ही नहीं दुनिया में, खाने से ज्यादा बिल्कुल पॉपुलर नहीं है। अगर जब आपके सामने खाना नहीं भी होता है तो खाने का एक महून सा विचार एक ख्याल आपके जहन में कहीं जरूर होता है। मैं कभी कभी सोचता था कि जब मैं 8वीं क्लास 6वीं क्लास में पढ़ता था दोपहर के 2 बजे मेरी छुट्टी होती थी, तो बस्ता लाते हुए इन्हीं गर्मियों के दोपहर में जब मैं घर आता था तो मैं ये सोचता हुआ आता था कि दाल और चावल नहीं पक्के होंगे तो आज मैं कयामत कर दूंगा, दाल चावल मुझे मिलना चाहिए। मतलब एक ख्याल मेरा वो मैथमेटिक्स के जो होमवर्क दिया गया था उससे ऊपर, बायोलॉजी के उससे ऊपर, वो ख्याल बराबर उसके बाद तीसरा पहर भी हमारे यहाँ होता था, यानी एक तो दोपहर का खाना होता था लंच और फिर तीसरा पहर होता था, और तीसरे पहर में सारे घर वाले खाने के लिए बैठ जाते थे कुछ ना कुछ, जैसे और कुछ नहीं है तो आमों के सीजन में आम ही खाते थे या खरबूजे खाते थे या तरबूज खाते थे, उसका एक खास सीजन हुआ करता था। तो मगर खाली खानों के ऊपर नावेल लिखा ही नहीं जा सकता था। तो फिर मैंने सोचा खाना खाने के बाद मुझे कभी कभी एक फिर स्टेज ऐसी आई जब मुझे गिल्ट हुआ, तो फिर मैंने गिल्ट की कहानी लिखना चाहिए। और गिल्ट की कहानी दरअसल बेसिकली ये गिल्ट की कहानी है, ये एहसास है जुर्म की कहानी, ये आपको पता है इस तरह से इसका लिखा है। इसकी शुरुआत में जैसे हिंदी में तो है वो, अंग्रेजी में शायद वो आपने उसको रखा नहीं है, वो दास्तान गोई का कुछ एक कोटेशन है, वो खाने गई है अंग्रेजी। जी जी, वो मैंने कहा कि देखिए कितनी तरह के खाने थे दास्तानों में, कितनी तरह के खाने, तो वो मैंने मीर अता हुसैन खान तहसीन की एक वो दास्तान थी नौतरदम रस्ता, उसमें से मैंने कुछ खानों की एक लिस्ट निकाली थी और यकीन जानिए जितनी लंबी वो लिस्ट है उससे 4 गुना ज्यादा और उसके खानों के जिक्र थे जिनको फिर मैं थक गया तो मैंने फिर वहां पे नहीं किया कोट। और इस उपन्यास में आपने ये शायद वाक्य 3 बार या 4 बार लिखा है कि बाबरची खाना बहुत खतरनाक जगह। जी बिल्कुल है, और आपने उसको बाकायदा जोड़ के बाबरची जितनी हत्याएं हो रही हैं उसका कुछ ना कुछ लेना देना बाबरची खाने से है। वो तो देखिए मैंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के लिए हत्याएं दिखा दी इसलिए, वरना बात यह है कि ना भी दिखाऊं तो बड़े सामने की बात है कि वो तो वायलेंस की जगह है ही। वो आप चाहे खानों के साथ वायलेंस करें या आप इंसानों के साथ वायलेंस करें, वायलेंस उसमें इसलिए है कि मुझे ये महसूस हुआ, वाकई ये बिल्कुल सच्चाई है, ये मैं मतलब खाली जावेद की हैसियत से कर रहा हूँ, मैं नॉवेलिस्ट की हैसियत से नहीं, कि मैंने जितना देखा जितनी चीजें बर्चे खाने में हुआ करती थी और आज के मॉडर्न किचन में भी वो है, उन सारी चीजों को एक खास वक्त के ऊपर जो था वो किसी का मर्डर करने के लिए भी, और मर्डर ना हो
तो सर फोड़ने के लिए तो काफी, जैसे चिमटा था, जैसे तवा था, जैसे थुकनी थी, जैसे सरसी थी, जैसे और कुछ नहीं तो आग, जो जो आग हुआ करती थी उसकी एक भूबल हुआ करती थी, मतलब उस जमाने में। अब तो भूबल नहीं होती, गैस अपने पीछे कोई तुराब नहीं मतलब छोड़ती है किसी किस्म का, गैस ऐसी कातिल है, लेकिन वो आग अपने साथ राख होने के बाद एक तुराब छोड़ के जाती थी। ये मतलब आग ज्यादा मासूम थी, ये जो गैस के चूल्हों से ज्यादा, चूल्हों में जलती हुई जो आग थी। फिर चूल्हे के पीछे एक चीज और होती थी कि एक तो सामने का चूल्हा होता था ईंटों का बना हुआ और पिंडोल से पुता हुआ वगैरह वगैरह, उसके बिल्कुल बैक में एक छोटा सा चूल्हा और होता था, उसको आंवला कहते थे, हमारे यहाँ तो उसको आंवला कहा जाता था। और वो इसलिए होता था कि रोटी पकती रहेगी और जो खास खाना है वो भी पकता रहेगा, सब्जी पीछे कुछ दूध वगैरह मतलब रख दिया जाएगा कि जितनी देर में रोटी पकेगी उतनी देर में वो भी धीरे 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 उबल जाएगा। तो वो सप्लीमेंट्री था उसका एक मतलब तरीके से। तो ये सारी चीजें जो मैंने वहां देखी, जिसमें सबसे बढ़ के तो ये आग ही थी, मुझे ये महसूस हुआ कि अगर आपके ड्राइंग रूम में, जिसको मैंने लिखा भी है कि अगर आपके ड्राइंग रूम में एक बंदूक है और वो सजी हुई है, जैसे कि मतलब पहले सस्ती थी, शेर की खाल और शेर का मुंह और वो वो बंदूक भी सजाई जाती थी और ये फ्यूडल सिस्टम में था, तो वो इतनी खतरनाक नहीं है, क्योंकि अब्बल तो उसमें बिल्कुल कुछ होगा ही नहीं, वो बंदूक बिल्कुल शोपीस होगी, वो भरी हुई बंदूक नहीं होगी, उसमें कारतूस नहीं होगा। लेकिन बॉर्चे खाने के अंदर अगर आप ज्यादा झगड़े तो चिमटा तो हर वक्त लोडेड है, उसके लिए उसमें किसी कारतूस के भरने की जरूरत नहीं है, और गर्म तवा भी मौजूद है। मैंने ऐसे ऐसे बैलेंस वहां पर, वो सबसे खतरनाक जगह मुझे ये लगा, और इंसान की हाथों के ऊपर मुकदमा ही वहीं पे चलता है, और ये खाने की सजा है, मतलब बॉर्चे खाने में तो अदालत लगी हुई है ना आपके लिए एक पूरी की पूरी। अब आप कुछ कहिए कि भाई खाना खा, क्यों ठीक है, रसोई बहुत पाक और साफ जगह है, पैर मतलब वो पैर जाते हैं तो पैर धो के चप्पल नहीं जाएगी वहां पे, ये भी सारी चीजें हैं। तो ये भी मुझे थोड़ा सा रहस्यमय भी लगा, ये भी ठीक है, ये बहुत ज्यादा दादा पवित्रता भी कभी कभी डराती है ना आपको, तो वो थोड़ा सा दादा मतलब होलीनेस अवेलेबल हो जाती है कहीं, तो वो मुझे महसूस हुआ। तो मैंने वो एक गिल्ट की कहानी है, और ये जो वायलेंस है पूरा उसका, जो आग का वायलेंस है। फिर मुझे एक चीज और महसूस, मैंने कहा ये सारी दुनिया की जबान खाना है, जो रियल जो भाषा है वो खाने की भाषा है, और वो इसलिए मुझे लगा कि जो जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, मतलब स्पीच ऑर्गन्स जो हैं जिनसे हम बोलते हैं, तो अजीब इत्तेफाक है कि इसी से खा रहे हैं, तो मतलब और उसमें जितने भी सहायक होते हैं, जैसे जबान है, तालू है, जबड़ा है, दांत हैं, ये सब बोलने में सहायक होते हैं। एक बार मेरा एक दांत जो था वो टूट गया था, तो उसमें बीच में से हवा जा रही थी तो मेरी आवाज बदल गई थी, मुझसे बोल ही नहीं जा रहा था। तो इसका मतलब है कि बोलने में दांत भी सहायक होते हैं, और खाना चबाने में भी दांत जो है वो भी सहायक है उसमें। तो ये मुझे लगा कि कहीं एक यूनिवर्सल लैंग्वेज जो है वो कहीं खाना तो नहीं है, मतलब कुछ ही और ही मैसेज हो इसके पीछे। दूसरा एक और मैं एक थोड़ा सा पढ़ के सुना रहा हूँ, उपन्यास में ही है, लिखा है कि हाँ, मगर इंसान की वास्तविकता के बारे में एक बात का मुझे इल्म है या एहसास है कि मैं उसे एहसास की सतह पर ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि एहसास जैसे ही इल्म बनता है, जिसको अगर आप चाहें तो कह सकते हैं जैसे क्रिस्टलाइज हो जाता है, लोग इसे अपने दिमाग में इस तरह बांध लेते हैं जैसे सुअर के बाड़े में, तो आप तो बाड़े में बांध देते हैं। फिर दूसरा आपने लिखा है कि चेतना लचकदार है, उसकी खूबी यह है कि वह सिस्टम का निर्माण तो करती है मगर सिस्टम बन जाने से इनकार कर देती है, एक लंबा और दो टूक इनकार। अब इसमें यह है कि इस उपन्यास में भी पूरी जगह ये भी है कि आप कोई भी विचार अगर बन रहा हो, फिक्स हो रहा हो, तो आप उसको तोड़ देते हैं, आप उसको बनने नहीं देते ताकि वो खुला रहे, ताकि वो ऐसा बंद ना जाए कि सुअर बाड़े में जा सके। मतलब आप अपने विचारों को ऐसी, आप उसके एहसास को ऐसी जगह रखते हैं जहां सुअर बाड़े में कोई भी ना बांध पाए, आपका पाठक भी ना बांध पाए, और ये इस बारे में आपने ये बकायदा लिखा भी है। तो आप ऐसे कौन से उपन्यासकार अपने अलावा या और आपकी रीडिंग या पोइट्री या जैसे उर्दू की शायरी का संबंध इससे देखते हैं या खुद क्या सोचते हैं उसके बारे में? तो बहुत
बहुत ही मिसफिट पाता हूँ अपने आप को, पूरा जो मतलब मेरा जो ट्रेडिशन है उर्दू का ट्रेडिशन है, तो उसमें मैं बिल्कुल मिसफिट इसलिए हूँ कि सबसे ज्यादा इतराज तो इस बात पे होता है कि खालिद जावेद ने बनी बनाई जमालियात को यानी एस्थेटिक सिस्टम को या एस्थेटिक साइंस को सबवर्ट कर दिया। अच्छा खासा मतलब एक चीज है ना कि आप भीड़ मतलब भीड़ में आप बहुत आफियत में होते हैं हमेशा, मतलब भीड़ होती है तो आप बचा ले जाते हैं अपने आप को। मैं मॉब लिंचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे लाइन लगा के खड़े होकर दूध लेना, क्यू में खड़े होना, अगर सिनेमा हॉल में जा रहे हैं तो लाइन में खड़े होना, आप सबके साथ हैं तो आप बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड हैं और सिविक सेंस से भरे हुए तो आपको कहीं कोई खतरा नहीं है। और मुझे बार बार वालिद का वो शेर हंट करता आता था कि मैं और एक आफत का टुकड़ा वो दिले वैसी के है, आफियत का दुश्मन और आवार की काश। ये इसमें जो लफ्ज है ना आफियत का दुश्मन और आवारगी का आशना, तो आफियत का दुश्मन होना जो है वो बड़े जोखिम लेने वाली बात है ना, कि आपकी तो वो बड़े अटैक इस तरह के हुए कि आफियत मेरी हमेशा खतरे में पड़ी रही, अब भी आफियत मेरी जो है वो खतरे में है। तो इन्होंने कहा कि आप बने बनाया जो एस्थेटिक साइंस था और वो आप उसको बिल्कुल ही बदल देते हैं, आपकी स्त्रियां आती हैं तो सुंदर नहीं होती, ठीक है ना, अगर सुंदर होती भी है थोड़ी सी तो जालिम बहुत होती है, तो किरोज बहुत होती है, तो मर्डर तक कर देती है, ये सब हुआ है मतलब सारी चीजों में। वो कुछ भी नहीं है आपके यहाँ, जो कोई लफ्ज आता है तो उसके पीछे कोई एक ऐसा एडजेक्टिव लगा हुआ आता है जो कि या तो मतलब डिस्गस्टिंग होता है, जैसे अभी आपने बहुत अच्छा, मैं तो भूल गया था कि वो सड़े हुए शहद से मतलब वो लिपटे हुए हुआ, तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है कि ये गड़बड़। तो ये मुझे लगता है कि ये मैं मिसफिट था, मुझे बार बार ये महसूस हुआ कि भाई अगर आप नई बात नहीं कह पाएंगे, नया एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे आर्ट की पूरी हिस्ट्री में, चाहे कोई सा आर्ट हो, वो फिक्शन हो, लिटरेचर हो, पेंटिंग हो, डांस हो, ड्रामा हो, अगर उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे और आप खतरा नहीं लेंगे, आप लेंगे तो ऐसे तो कभी भी ग्रो ही नहीं करेगा, मतलब कोई भी आर्ट कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। तो अब फिर ये था उसके अंदर खतरा बहुत था, तो मैंने बहुत यानी एब्यूसिव लैंग्वेज, एक तो आप समझ लीजिए कि जब मौत की किताब छपा तो मौत की किताब के खिलाफ एक पूरा मतलब एक मैगजीन था अच्छा खासा, उसका काफी मोटा ताजा उसका मतलब वो शुमारा था, वो उसके ही खिलाफ निकल गया पूरा, इसमें सिवाय मौत की किताब को बुरा भला कहने के। और एक साथ खालिद जावेद मौत की किताब क्यों लिखते हैं, जिंदगी की किताब क्यों नहीं लिखते, मतलब जैसे कि वो ये समझते हैं कि मौत जिंदगी से मुख्तलिफ कोई चीज है या मौत का तो जिंदगी में पार्ट ही नहीं है। तो ये सारी चीजें थी जिसके लिए ये जो स्टाइल है, लेकिन सारी बातें ईमानदारी के साथ ये कि बहुत सोच समझ के नहीं किया मैं, कि मैं ये कैसे कह दूं कि बहुत सोच समझ के हुआ है, ये होता चला गया और शायद कोई आसेब होता है उंगलियों में आपके होता है, वो दिमाग से उंगलियों में उतर आता है कोई आसेब और वो आपसे लिखवाता है, तो आप बहुत सोच समझ के कोई काम कर नहीं सकते। जैसा कि टीएस एलियट ने आपको याद हो कहा होंगे, तो आप बात कर रहे हैं कि तंकीद लिखने के लिए आलोचना लिखने के लिए जो है वो बहुत ही होशियार होना चाहिए आपको, जागते हुए जहन का मालिक होना चाहिए आपको, लेकिन तकलीफ उसमें सत्य में बेखबरी जरूरी है, यानी वहां पर बाखबरी जरूरी है और तकलीफ लिखते वक्त बेखबरी बहुत जरूरी है, तो वो बेखबरी रही मेरे पास हमेशा शायद ये है। ये तो आप बातें कर यहाँ हो रही है तो मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं भी अपने बारे में कुछ सोच रहा हूँ यहाँ इस वक्त नहीं। ये निमत खाने के ठीक बाद में एक तो इसमें पहले तो जितने स्त्री पात्र हैं, आपके अनुवादक ने एक बार कही थी कि मैं उनके सारे स्त्री पात्र जो हैं उनका नाम अंजुम ही क्यों है, वो शायद आपसे उन्होंने पूछा भी होगा, लेकिन अब उन्होंने पूछा था उस वक्त तो आप थे नहीं जवाब देने में। और बहुत से जितने लोगों ने इंटरव्यू लिया अभी जहाँ जहाँ गया वहाँ भी सब ये उन्होंने मेरे सामने कहा था, और उन्होंने कहा था कि जब देखिए वो उनको एक सा देखते हैं तो मैंने या उसको एक सा सवाल पूछते हैं शायद उनसे, तो मैंने कहा था एक से नाम के वैसे अलग अलग चरित्र हैं, वो सारे एक से तो है नहीं, लेकिन नाम उनके एक से हैं, इसको सहयोग भी मान लीजिए या ये भी मान लीजिए कि भाई उनको यही नाम सूझे सबके। तो इस पे आपने क्या सोचा था, मतलब लिखते समय ये अपने आप आए होंगे? नहीं, ये तो मैंने सोचा था। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी मतलब मुनाफ्त होगी कि मैं कहूँ नहीं ये भी मैंने नहीं सोचा कि कोई शायर होता तो जरूर कह देता, हमको पता नहीं हमने कर दिया। वो मैंने सोचा था सर, क्या था कि मैं वो
ये प्लेटो ने जो उसकी पूरी जो थ्योरी ऑफ आइडियाज जो है प्लेटो की, कि वो यहाँ की जितनी चीजें हैं वो सब पर्टिकुलर हैं, इस दुनिया की सारी चीजें पर्टिकुलर हैं, वो विशेष हैं, और ये सब नकल हैं, ये सब कॉपी हैं, और इस यहाँ की एक एक चीज जो है वो सब डिवाइन वर्ल्ड में मौजूद है, यानी यहाँ पे पाई जाने वाली बिल्ली जो है वो उस बिल्ली की कॉपी है, और ये सब तो खत्म हो जाएंगी क्योंकि ये पर्टिकुलर चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो सब यूनिवर्सल है। तो वो यूनिवर्सलिटी जो थी उसको, हालांकि एरिस्टोटल ने बाद में कहा कि आपसे गलती हुई है कि ये जो यूनिवर्सल्स होते हैं वो कहीं और नहीं रहते हैं, वो इन्हीं पर्टिकुलर्स के अंदर ही यूनिवर्सल भी रहते हैं, इन्हीं में निवास करते हैं, क्योंकि यूं तो फिर ये एक नाम हो जाएगा। तो ये तो एक नाम है कि हम कहें कि गाय, तो वो गाय तो अपने आप में एक नाम ही है, आप ये नहीं कह सकते किसी से कि एक गाय लेकर आई, तो वो जो भी गाय आएगी घर पे, जो भी गाय लेके आएगा वो, तो उसका कोई रंग होगा तो वही विशेष गाय होगी, उसकी कोई हाइट होगी, कद और काठी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कहें कि नहीं मुझे केवल गाय मतलब चाहिए, तुम तो भूरे रंग की ले आए, तुम तो छोटी गाय लिया, तुम तो बड़ी गाय लिया, तो ये एक नाम है खाली। बुद्धा ने भी अपनी जगह इसके मतलब एक जगह जिक्र किया है बुद्धा बुद्ध में योगाचार में। तो ये मुझे ये लगा कि मैंने कहा कि चलो ये यूनिवर्सल्स को पर्टिकुलर बनाओ और पर्टिकुलर्स को यूनिवर्सल बनाओ, ये हुआ। तो इसलिए वो नाम मतलब एक वो यूनिवर्सल असल में गुड्डू मियां जो उसका मेन किरदार है ना, उससे मैंने सोचा उसको। यहाँ पे मुझे इसके लिए उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी इस तरह की कि मैं उनके नाम अंजुम रखूं या फिर और कुछ रखूं, वहां यह था कि गुड्डू मियां की जिंदगी में जितनी स्त्रियां आईं सबके नताइज तकरीबन एक थे, यानी वो मुकद्दर जो था उनका, उसका गुड्डू मियां का जो मुकद्दर है और जो हफीजुद्दीन बाबर का जो मुकद्दर है, वो हर औरत के साथ मिलने के बाद एक ही तरह से तय होता है, एक ही तरह से वो अपने मुकद्दर तक या अपने डूम्स डे तक पहुंचता है। इसलिए मैंने कहा कि भाई इसको यूनिवर्सल को पर्टिकुलर और पर्टिकुलर को यूनिवर्सल बना के देखा जाए, इसलिए अंजुम मैंने नाम रखा। हाँ ये है कि हम अंजुम मैंने कोई सोच के नहीं रखा था कि कोई ये कहे कि साहब अंजुम ही क्यों रखा आपने, जमीला क्यों नहीं रखा या आपने रिहाना क्यों नहीं रखा, वो कुछ नहीं, वो अंजुम पसंद था, ये अंजुम ही रख दो ठीक है। और जिससे उसका मुकद्दर दूसरी तरह से तय हो सकता था वो लड़की है जो कि उसको सपने में दिखती है सिर्फ, उसका नाम नहीं कोई, तो वो यूनिवर्सल हत्याएं होती हैं, वो तो आप उसको बता रहे हैं कि जो उसमें हिंसा है रसोई घर में उसको आप ड्रामेटाइज कर रहे हैं उन हत्याओं के सहारे, लेकिन जितनी हत्याएं उसमें हो रही हैं उनका जो विवरण है उसमें हत्याओं भी सारी अलग तरह से होती हैं, ऐसी एक उसमें एक भले एक ही औजार इस्तेमाल हो रहा हो बल्कि एक जगह तो आपने लिखा नहीं कि रेशे भी उसमें बचे, मसाला पीसने वाली सिल्क का मैं नाम बदल लेना भूल गया था उस वक्त जब मैंने और चीजों का जिक्र किया था, चुमटा तवा देख सबसे ज्यादा मसाला पीसने वाली, तो मसाला पीसती रहती थी मेरी दादी, तो मैं देखा करता था ये क्या हो रहा है, मतलब किस तरह से मतलब ताकत लगा लगा के, क्योंकि वो कहती थी कि अभी भी मोटा है मसाला, इसको और बारीक करना है, अभी ये मिर्च और मसाला और हल्दी और बारीक करनी है, तशद्दुद यानी वायलेंस हिंसा तो वहीं से शुरू हो गई, चाहे वो किसी चीज के साथ भी हो ना। बात यह है कि एक लेखक को तो चीजों को देखना होगा ना, उन्होंने कहा ना कि इल्म नहीं बल्कि एहसास की सतह पे, तो पहली चीज उसके जो एहसास होती है, एहसास तो ये मुझे हमेशा से होता था कि अब वहां मैं बार बार सोचता था कि वो जो बट्टा वो सिल्क के साथ जो बट्टा होता था ये सर पे मारा जाएगा तो क्या होगा, तो मैं शैतानी करता नहीं था बचपन में, मुझे डर ये था कि अगर दादी ने बट्टा अगर वो मसाला पीस रही हूँ तो मैं बहुत डरा बैठा रहता, क्योंकि इस वक्त मैंने अच्छा एक तो उसमें मिर्ची भी लगी होती है ना, तो वो मतलब बिल्कुल अगर मतलब ऐसे भी पड़ जाए आपके ऊपर तो भी एक लाख का वो मिर्ची पूरा कर देंगी, तो उसमें यह है कि वो उससे पीस देता है ना सर उसका, तो उसके भेजे के जो रेशे हैं वो पत्थर वो जो है उसका वो जो सिल है सिल पे लिपटे रह जाते हैं, और उस समय वो बिल्कुल किसी खाने की तरह नजर आते हैं, मतलब ये वो तो आप मतलब क्योंकि राइटर हैं या आप पाठक हैं तो आप पढ़ रहे हैं तो आप उसके कॉन्टेक्स्ट चलाते हैं
कि ये जो है सर, ये आफ्ताब भाई का कुचला हुआ सर था जिसको कि उस बच्चे ने मारा है 14 साल के खामोशी के साथ। लेकिन अगर एक ये बिगोल हो खाली और उसके आगे पीछे कुछ ना हो और वो जो सर है कुचला हुआ वो दिखाया जाए तो वो कुछ नारियल और कुछ चिरौंजी और कुछ उसके अंदर कुछ जाफरान मिली हुई चीज भी हो सकती है, तो एकदम सीधा सीधा रिश्ता बनता है आपका खानों से और मतलब वायलेंस से और मर्डर से सबसे सीधा सीधा बनता है, दूर का बहुत। लेकिन वो अब क्या किया जाए, वो दूर की आवाज मतलब सुनाई देती है, पास की आवाजों पर ध्यान ही नहीं दिया थोड़ा सा। लेकिन इसके पहले के उपन्यास पे जिसका आपने भी जिक्र किया मौत की किताब का, जी, वो एक पागलखाने में खत्म होता है जाके और उसमें मैनुस्क्रिप्ट मिलती है, उसके बारे में कुछ कहिए। छोटा उपन्यास है, शायद 80-85 पेज। हाँ, वो एक लंबी कविता की तरह मैंने लिखा था। अच्छा। आप तो खुद आपने भी पढ़ा, आपने भी कहा था मुझसे कि लंबी कविता की तरह वो है उपन्यास जी। वो तो एक अब वो ठीक है, उसमें एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसको के उसके माँ के पेट में ही मादर ही में उसको एक ठोकर लगी है, एक लात उसको लगी है, जिसका के जिम्मेदार जो है उस पूरे शॉक का उस चोट का वो उसका बाप है। तो एक फिक्सेशन उसका दिखाया है कि मतलब मदर से फिक्सेशन है और बाप का जो फादर का जो पूरा वो है वो उससे उसको वो हमेशा सोचता है कि मैं एक ना एक दिन अपने बाप को मार डालूंगा, मैं कत्ल करूंगा उसका। तो वो लेकिन चूंकि वो पैदा होता है और फिर वो एबनॉर्मलिटी उसकी इसलिए है कि जो बायां हिस्सा है उसके सर का वो पिचका हुआ है उसी लात के लगने से जो उसको लगा है। तो वो पूरी कहानी में कहीं पे ये कहिए कि वो सिर्फ डिप्रेशन की कहानी नहीं है, वो उस तरह की कहानी नहीं है कि जो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल कहानी हो, बल्कि उसके जो है वो फिजिकल रीजन भी वहां है, ये और बात के खुल के बंदे ही बताए गए हैं। लेकिन फिर एक जगह आखिर में वो जहां वो नावेल का एंड होता है वहां थोड़ा सा खोला है कि वो हुआ क्या है वहां। आपको याद होगा वहां पे वो एक जुमला था मेरा कि मैं सो रहा हूं, नहीं मैं जाग गया हूं, मैं जाग गया हूं, मेरे सामने एक दीवार है, दीवार में एक दरार है, दरार में से एक रोशनी आ रही है, मगर ये एक ऐसी रोशनी है जो कि कूड़ा जलाने से पैदा होती है। जब मैं अमेरिका गया था प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, तो वहां पे वहां के जो बच्चे थे साउथ एशियन डिपार्टमेंट, तो उनके 3-4 बच्चों ने पूछा कि साहब ये कौन सी आग की रोशनी होती है जो कि कूड़ा जलाने से पैदा होती है। तो मुझे बताना पड़ा कि घर घर में जलाया जाता है इंडिया में, तो उनके लिए ऐसी कोई कॉन्सेप्ट कभी रही होगी तो रही होगी। तब उन्होंने कहा, क्योंकि मैं ये भी कह सकता कि साहब ये बड़ी एक धुंधली सी रोशनी है या एक मैली सी रोशनी है, मगर जैसे ही कूड़ा जलाने वाली रोशनी होती है तो वो पता चल जाता है कि इस आदमी के साथ क्या क्या हुआ है, क्या होने गया है, कि एक कूड़े के ढेर की तरह ही उसको बाहर लाया गया था, कूड़े की ढेर की तरह फेंका गया था। फिर काश वाला कूड़ा जलाने से भी होता है, दिवाली में ईद में जो होता है प्रकाश, वो भी प्रकाश होता है, लेकिन प्रकाश प्रकाश में भी फर्क है। ये जरा सा उसमें था। तो वो मौत की किताब नाम मैंने रखा उसका, वो बेसिकली जिंदगी की ही किताब है, उसमें मौत का कहीं जिक्र भी नहीं, मतलब मजे की बात यह है कि उसमें मौत का शायद एक आध जगह शायद लफ्ज आ गया हो, मौत नहीं है उसके अंदर कहीं ना। हाँ, वो ये सोचता रहता है कि मैं एक दिन खुदकुशी करूंगा, वो लेकिन खुदकुशी कभी नहीं कर पाता है, क्योंकि वो ये भी कहता है कि खुदकुशी करने से बेहतर ये है कि खुदकुशी करने के ख्याल को आप अपने साथ हमेशा जिंदा रखें, तो एकदम से निजात और एकदम से मुक्ति आप, यानी आपको पता है कि दुनिया कितनी भी खराब सही, दुनिया कितनी भी भयानक हो, नुकीली होके आपकी आंखों में चली आ रही हो, आपके पास एक हथियार तो है ना कि जब चाहे तो आप दोस्तोवस्की की जबान में कि मैं शुक्रिया के साथ अपने टिकट वापस, तो आप एक दिन शुक्रिया के साथ अपने टिकट तो वापस कर ही सकते हैं। तो वो ये मगर ये कि खुदकुशी को मैंने वहां परसानिफाई किया, ये नहीं लिखा कि वो मरना चाहता है, अरे मर जाएंगे कुछ नहीं होगा, कहता मैं ठीक है खुदकुशी मेरी जेब में रहती है, ये जुमला है, गिलहरी की तरह कभी कभी बाहर झांकती है, या जूते में मैंने खुद मैंने अपने जूते में खुदकुशी को छुपा के रख लिया है, एक कमीने हथियार की तरह कि जब मौका मिलेगा तो जूते में से निकालूंगा। मुझे हमेशा उस हथियार से बड़ा डर लगा जो कि जूतों में होता था, लोगों को तो बड़ा भयानक होता था, मतलब जूते में से निकालना, तो जूते में से निकाल के जूते में छुपी हुई चीज को और फिर उससे मारना,
जिंदगी और मौत की, उसने एक जगह लिखा था कि भाई शैतान एक दिन जब से खुदा अपने खामोशी से सो रहा था तो सपने में वो मतलब बच्चों की जो थी मासूम बच्चों की किलकारियां सुन रहा था, तो चुपके से शैतान ने ये जिंदगी की किताब को मौत की किताब से बदल दी। इस पे तो बड़ा हंगामा हो गया, मतलब ये समझ लीजिए कि गर्दन ही काटी जाती ये तक आ गया कि खाली जावेद तो शायद पहले राइटर होंगे, एक साहब ने लिखा बाकायदा खत है जिन्होंने कहा कि खाली जावेद शायद पहले राइटर होंगे यहाँ के जिन्होंने साहित्य लिखने के लिए सलमान रश्दी से भी आगे बढ़ गए, वो इतनी बड़ी हेरेसी कर रहे हैं क्योंकि वो तो शैतान को जो है शैतान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। पेपर पढ़ा गया साहित्य अकेडमी इस बात पे, और उसमें जो साहब ने कहा कि वो पेपर जो है वो उसको जाके जामिया मिल्लिया इस्लामिया की दीवारों के ऊपर छिपक पाते हो, इतने लोग चिड़े हुए थे। और मैं बिल्कुल अकेला उस जमाने में रहता था और अकेला मैं जामिया से पैदल पैदल चलते हुए अपने घर तक जाता था, मुझे डर लगता था कि भाई कहां कोई पीछे से जो है वो हक़े शहादत अदा करने ना आ जाए। तो वो बड़ा लेकिन देखिए वो फिर लेकिन देखिए दोनों बातें हैं उसी के ऊपर जो है वो उसी नावेल पे शम्सुल अमान फारूकी साहब ने बहुत बड़ा मजमून 25 पेज का मजमून लिखा। तो एक तरफ तो उसकी इंतहा वो थी कि उसके खिलाफ पूरा एक मतलब शुमार है, और दूसरी तरफ ये कि आपने मुझसे देखे कहना अच्छा नहीं लगता, आपने कुरेद आया तो मैं कर रहा हूँ कि खाली मौत की किताब पे अब तक 36 मजमून लिखे जा चुके और ये उर्दू हिंदी अंग्रेजी मिला के, तो इतने मजमून मेरा ख्याल है किसी नावलिस्ट पे उर्दू में तो लिखे नहीं गए। तो ये किए कि पॉपुलर बहुत हुआ, बाद में फिर इतना पॉपुलर होता गया कि अब हर आदमी चाहता है कि वो मौत की किताब पढ़े भले ही समझे या ना समझे। जैसे हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो हम आयन ग्रैंड अपने हाथ में रखा करते थे, समझे या ना समझे आयन ग्रैंड लेके चलना है, क्योंकि आयन ग्रैंड हमारे हाथ में है नहीं, एटलस सड़क है क्या के नहीं, या ये कि फाउंटेन हेड है कि नहीं है, इस तरह लोग बताते हैं कि इस तरह से मौत की नियमत खाने से कहीं ज्यादा। इसको तो ये अभी अवार्ड वगैरह मिल गया कि तो 2014 का लिखा हुआ नावेल है, दो तीन चार रिव्यूज पे आए होंगे, बहुत से लोगों ने पढ़ा ही नहीं। और नया नावेल जो मेरा आया है असलान बेदार जिसका एक अंश आपने छापा भी है, वो मैंने पता नहीं कितने लोगों को भेजा मगर किसी ने मुझे उसके बारे में अभी तक कोई राय भी नहीं दी। ये खंजर पानी भी बस ठीक है वो, लेकिन ये मौत की किताब पे तो इतना लिखा गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये अवार्ड मिलने के बाद नेमत खाने पे कुछ लिखने का कुछ सिलसिला हुआ है, वरना और मतलब मौत की किताब ही पता था अभी भी मेरी पहचान तो उसी से, और अच्छा है कि मेरी मतलब पहचान बहुत छिपाने से ना हो। अरे आपने जिक्र किया चूंकि फारूकी साहब का जी, तो उनके उपन्यास जो है जी, मैं तो इस वक्त जो पिछले 30-40 साल में जिन लाइट राइटर्स जो सबसे अच्छा लिखा है एक आपने और एक फारूकी साहब, उनके उपन्यास जो दो हैं कब्ज़े जमा और एक और कुछ कहानियां, तो वो तो बिल्कुल अलग, मतलब वो एक तरह से बहुत ज्यादा एकेडमिकली तैयार व्यक्ति के उपन्यास हैं। मैंने उनको कहा भी था कि आप अम्बर्टो इको की तरह याद दिलाते हैं कि उनकी स्कॉलरशिप उसमें बहुत काम करती है, आप क्योंकि स्वयं फिलोसफी पढ़ा चुके उर्दू पढ़ाते हैं, आपने अपनी स्कॉलरशिप जो है उसको बहुत नहीं आने दिया। तो उस उपन्यास के बारे में जो फारूकी साहब के उपन्यास के बारे में आपका क्या नजरिया है उससे, मतलब इन दोनों के बारे में, कहीं चांद थे सर आसमा और जो मैं कह रहा हूँ कि उनके एक, और ये बुरे अर्थ में नहीं कह रहा हूँ, कोई बहुत स्कॉलरली इस्तेमाल अगर अपने ज्ञान का करता है तो उसमें कोई बहुत खराब, क्योंकि हिंदी में ये होता था कि कमलेश जी को मेरे सामने ही मखलेश डबराल ने एक बार कहा कि वो तो एकेडमिक पोएट हैं, तो पोएट की अर्हता ये होती है कि वो बिना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो कालिदास क्या कहलाएंगे, कालिदास में तो आप देख सकते हैं ना कि उन्होंने पूरा नाट्यशास्त्र पढ़ा हुआ है, क्योंकि वो तो अंगूठी आई इसलिए है उस नाटक में क्योंकि नाट्यशास्त्र में आहार्य का वर्णन हो गया तो सब लाना है उनको, हाँ तो लेकिन बड़ा नाटक लिखा उन्होंने, ऐसे ही फारूकी साहब का है आपसे बिल्कुल अलग। फारूकी साहब का देखिए कल्चरल जो उनका वो जो जिसकी आपने जो उनकी इल्मियत है या जो जो उनका ज्ञान है
तो वो इतना मुझे लगा कि उतना दार्शनिक नहीं है जितना कि वो ऐतिहासिक है, जितना कि तारीखी शऊर उनका, और वो भी खासतौर से 18वीं सदी का, वो बहुत जबरदस्त है। उसकी वजह यह है कि चूंकि वो उन्होंने काम बहुत किया क्लासिकल शोरा पे, बहुत काम किया दास्तानों पे, उन्होंने बहुत काम किया, तो मुझे लगता है कि वो दास्तान कहने का जो हुनर था उनका, वो एक तो वहां से आया है उनका, चूंकि उन्होंने दास्तान पे तो उन्होंने जैसा लिखा बिल्कुल दास्तान को, अब तक मानते थे कि वो नाविल जो आया है वो दास्तान से निकल के आया, उन्होंने तो बहुत उमदा बात कही कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नावल निगार से अकेला तो दुनिया में कोई होता नहीं, और दास्तान के साथ तो पूरी महफिल चलती है, ये उन्होंने कहा था। और हालांकि मिखाइल बातन की बात भी है कि नावल के नावल निगार से अकेला दुनिया में कोई शख्स नहीं होता, फिर नावल जो है वो तहरीरी बयानिया है, यानी वो रिटन नरेटिव है, और दास्तान उन्होंने कहा ओरल नरेटिव था वो सुनने, और इसीलिए उसमें तकरार बार बार आती थी, लेकिन उससे उन्होंने सीखा बहुत कहानी कहने का ढंग। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आप चाहे हिस्ट्री भर दीजिए उसमें, आप सोशलॉजी भर दीजिए, इकोनॉमिक्स भर दीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं है कहीं नहीं, आप चाहे तो कितनी फिलॉसफी भर दीजिए, लेकिन स्टोरी टेलिंग ना कहीं खत्म हो जाए, क्योंकि आप बुनियादी तौर पे फिक्शन जब आप देख रहे हैं तो स्टोरी टेलिंग भी तो हो कहीं, तो उनका आर्ट जो है वो दास्तान से तो उनका स्टोरी टेलिंग आया, बाकी जो कल्चरल और हिस्टोरिकल वो है उसमें नेचुरलिज्म बहुत है, मतलब वो जोला की याद दिलाता है, हालांकि जोला तो मतलब दूसरी तरह से लिख रहे हैं, मतलब जोला के यहाँ तो और शहरों का बयान है और डिस्गस्टिंग तो वहां भी बहुत है, आपने मेरा ठीक किया मगर जोला की अभी बहुत है डिस्गस्टिंग है ना, या ये कि वो आपके इंटर सिंक्लेयर की बहुत है कि जिन्होंने शिकागो की पूरी मीट इंडस्ट्री के ऊपर नावेल लिखा जंगल के नाम से, उनके यहाँ बहुत है। इनके यहाँ जो जुदियात है जिसको हम लोग कहते हैं एक बारीक से बारीक जो ब्यौरा है वो उनका अशखास के हुलिये, चीजों के हुलिये, रस्म और रिवाज, आप देखिए पूरे कई चांद थे सात माह के अंदर वो सारी चीजें मौजूद हैं जो कि दास्तानों के अंदर आपको मिलेंगी। इस वे पे यानी दास्तानों का जो सोशोलॉजिकल या कल्चरल स्टडी अगर होगी तो वो फिर कई चांद थे आसमां की भी अगर होगी तो दोनों के नतज, दोनों के रिजल्ट एक निकलेंगे, बाकी उनकी स्टोरी टेलिंग है। तो एक तो ये है उनका जो दूसरा नावेल कब्जे था वो मुझे इसलिए बहुत पसंद आया कि उसमें उन्होंने वही वक्त के साथ खेल खेल के वक्त का जो पूरा मामला है कि वक्त कब जो है कब वक्त को आप होल्ड कर सकते हैं कि नहीं। कुछ लोगों के लिए समय जो है वो कई हजार साल एक क्षण होता है, क्योंकि जो टाइम है वो उसके बारे वो तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तो कोई चीज है नहीं, वो टाइम टाइम तो बिल्कुल सब्जेक्टिव चीज है, इसको जितनी खूबी के साथ उन्होंने बयान किया। लेकिन एक वही मैंने कहा कि 18 सेंचुरी और 19 सेंचुरी की जो फिजा थी वो भी खास तौर से दिल्ली और लखनऊ की और शायरों की, तो वो दो काम करते हुए चलते हैं कि एक साथ वो कहीं जो एकेडमिक को फिक्शन भी बनाते हैं और फिक्शन के जरिए वो एकेडमिक तक भी आते हैं, ये भी चीज है। वक्त के बारे में वो बात लाहौर का एक वाकया नाम से उनकी कहानी भी है, लाहौर का एक वाकया ये उसका नाम है जिसमें उन्होंने अल्लामा इकबाल के ने अखबार देखा है उस पे, उसने भी समय के बारे में बहुत बात है, और समय तो एक ऐसी चीज है कि वो सेंट ऑगस्टाइन से जब पूछा था किसी ने कि आप बताइए कि समय क्या है, तो सेंट ऑगस्टाइन ने कहा था कि अगर तुम मुझसे ये पूछो कि तुम समय के बारे में आते क्या जानते हो तो मैं कहूंगा कि मैं कुछ नहीं जानता, और अगर तुम मुझसे ना पूछो तो मैं समय के बारे में सब कुछ जानता हूँ। बहुत ही मशहूर। अच्छा, दूसरा ये भी फर्क है कि आपकी उपन्यास लेखन में और कहानियों में भी एब्स्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, यानी जैसे आपने खुदकुशी का जो आपने बताया ना वो चरित्र, खुदकुशी तो कुछ होती नहीं है ऐसे कि वो बगल में बैठ जाए उसका, तो आप उसको एब्स्ट्रैक्ट को पर्सोनिफाई कर देते हैं। अच्छा, दूसरा आपने जो नॉवलिस्ट अकेलापन कहा उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है, लुई माले एक डायरेक्टर है फ्रेंच, तो उसमें एक एसेसिन की कहानी है, तो उसमें वो लिखता है कि only a tiger is more lonely than an assassin. तो assassin की जगह कम से कम आपके केस में हम हटा के अगर novelist दें तो कोई गलत भी नहीं। अब जो novel आपका शाया हुआ है अस्सलाम वालेकुम, जिसमें जो दोनों एक ऐसी जगह पैदा होते हैं जो दो मेन चरित्र हैं और जो अपने में अजूबा है, यानी जो हिस्सा हमने अभी छापा है उसमें तो आप वहां तक हम लोग गए नहीं है अभी, एक तो हिस्से और छापी है तब वो तो वो जो है बिल्कुल वो आपने अलग ढंग से
फिर से उसमें इन्वेस्टिगेशन इनटू जो जुगुप्सा है, फिर जो एक किस्म की गंदगी, लेकिन वो जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, उसकी फिर उसको फिक्शन के रास्ते और फिक्शन में आप बहुत ही गहराई से उसका अन्वेषण जैसा करते हैं, उसको अध्ययन करते हैं, उसका उसको लाइट में लाते हैं, वो अपने में एक नया इन्वेस्टिगेशन आपका है, लेकिन उसको आपने लोकेट बिल्कुल अलग तरह से एक कस्बे से, यहाँ आप निमत खाना एक कस्बे से शुरू होता है और एक थोड़े से बड़े शहर में खत्म होता है, यहाँ तो वो रोमानिया और जॉर्जिया जहाँ पे कोकाफ है, कोकाफ ढूंढने के लिए वो शायद यहीं पे कहीं पर होगा, वो काफ और कोहे निदा है ना, वो आवाज देने वाला, वो जो वो किस्सा हाकमताई में बहुत आया है। अच्छा, ये सर कोकाफ ये भी दास्तानों की चीज है, और सीमुर वगैरह का जिक्र भी वहीं पे है, तो वो सारी चीजें हैं उसमें, वो फिजा है, वो तो वहां से वहां भी आप मतलब अभी उस दिन यथार्थ का जादू पे जो लोगों ने बात की थी, अभी आप नहीं थे, हमने आपको मिस किया, तो वो बराबर वो मतलब जादू तो साथ में यथार्थ के लगा रहेगा ना, अब वो आता साहित्य के पास, वो जादू जो है उसका जो चुंबक है मैग्नेट हर चीज को जो खींचेगी वो है साहित्य के पास या फिक्शन के पास है, इसीलिए मैंने कहा था कि साहित्य का जो यथार्थ है वो उस यथार्थ से अलग है जो एक साइंटिस्ट का यथार्थ होता है या एक वैज्ञानिक का यथार्थ होता है, तो वो घूमता है, वो चेसनिया का रहने वाला है तो वहीं जाता है, वहीं पे कोकाफ है, फास्ट प्रेगनेंसी होती है, वो हवा से चली आंधी आया दलदला आया और उसकी जो पत्नी है वो है प्रेग्नेंट, मतलब मालूम होता है कि वो हुई भी डिलीवरी लेकिन वो उसके पेट से खाली हवा निकल के वो बाहर की जो हवा थी उसमें मिल गई, तो वो वहाँ पे जो नर्स होती है तो वो अपने एक क्रास का निशान बनाती है और कहती है कि बहुत अच्छा हुआ आपकी पत्नी के पेट में कोई आत्मा थी, कोई प्रेत आत्मा थी, अच्छा हुआ कि वो निकल गई, ऐसा भी कभी कभी होता है, तो ये आपको मतलब वो आना पड़ेगा आपको, वो जो लाइन है ना, वो जो थ्रेशोल्ड है, एक बिल्कुल यानी पागलपन और होशमंदी के बीच की पतली सी लकीर, यथार्थ और अयथार्थ जिसको आप कहते हैं या रियलिज्म और सुररियलिज्म आप जिसे कहते हैं, इसकी बीच की लकीर पे तो खड़ा होना होगा एक राइटर, और मैं तो यही समझता हूँ, मुझे मालूम है कि ये जो सड़क है यहाँ पे लाल बल्ब रोशन है और मैं इन लाल बल्बों की ज्यादा परवाह नहीं करता, कभी कभी अलग एक कदम आगे बढ़ा देता, और आज के दिनों आज के जमाने में ऐसा कदम बढ़ाना बड़ा खतरनाक है, क्योंकि हम इतने अक्लवादी इतने तर्क बुद्धिवाद से बिल्कुल ग्रस्त हो गए हैं, वो एक सिंड्रोम बन गया है कि जहां आपने ऐसी कोई बात कही वो कहेंगे ये तो बोल नहीं सकता, ये तो सुपर नेचुरल है। अच्छा, सुपर नेचुरल दुनिया में कोई चीज होती नहीं है भाई, कोई चीज नहीं, तो आपका एक अपना इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो के नेचुरल से ना निकल के आए हो, बट जो वर्ड है सुपर नेचुरल उसमें पहली चीज तो नेचुरल मौजूद ही है, जैसे कि फिजिक्स है और फिजिक्स के बाद हम मैटर फिजिक्स कहते हैं, तो मैटर तो वो तो दोनों चीजें मौजूद है ना, तो कहीं हमको देखना पड़ेगा कहाँ आप चहलकदमी कर रहे हैं, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि भाई हमने देव की बहुत बात होती है दास्तानों में, तो बहुत सारे साहब आज के जमाने में आप देव की बात करते हैं, आज के जमाने में आप परियों की बात करते हैं, आप जिनों की बातें करते हैं, तो भाई ये तो आपका अपना तजुर्बा है कि आपने स्त्रियां भी देखी हैं, आपने परिंदे भी देखे हैं, आपने पक्षी देखे हैं, तो दोनों आपके अनुभव का पार्ट हैं। होता ये है कि सुररियलिज्म के अंदर ख्वाब में सपने में आप इसको मिसमैच हो जाता है आपका, और मिसमैच होना बहुत जरूरी है राइटर के लिए, क्योंकि उसके लिए तो इल्यूजन होना भी बहुत जरूरी है, हेलुसिनेशन होना भी बहुत जरूरी है, इतनी कोरी हकीकत जो है जो बिल्कुल उसके हवास और आसाब को ठस करके रख दे, बोर करके रख दे, उजाड़ दे आपकी दुनिया को, वो बेहतर नहीं है एक राइटर लिखने के लिए, ये सारे खतरे तो मोल लेना होंगे। और जगदीश स्वामीनाथन जो एक चित्रकार आप जानते हैं, वो एक लेख लिखना चाहते थे, कभी लिख नहीं सके, ओरेकल एंड रीजन, जो ओरेकल है एक तरह से कह लीजिए पुकार है, तो वो जो लाल बत्ती के उस तरफ से जो पुकार आ रही होती है ना, उसको रीजन को छोड़ के उसको जाना पड़ता है। आपने बात पूरी कर, ऐसे ही हमदार नहीं। एक चीज और मुझे लगती है आपके उपन्यासों को पढ़ के, कि आप पर उर्दू के फिक्शन से अधिक उर्दू की शायरी का असर है, आप मतलब जैसे गालिब की या मीर की, एक उसमें आप जब आपको पढ़ते हुए उर्दू शायरी से ज्यादा उसकी याद आती रहती है,
आप क्या कहते हैं? ये बहुत संजीदगी से गौर नहीं किया। हाँ, ये आप कह सकते हैं उर्दू फिक्शन का था। नहीं, मेरे तो मैंने पढ़ा तो है, सब खूब पढ़ा है, पढ़ना मजबूरी भी थी और शौक भी था। लेकिन मेरे रोल मॉडल जो है वो, जैसा कि खुद ही फारूकी साहब ने कहा था कि इनका ये अच्छा किया है कि उन्होंने अपने रोल मॉडल अपनी रिवायत से बाहर तलाश की। ये जुमला था इनके जो रोल मॉडल है वो अपनी रिवायत से बाहर तलाश की। शायरी का, शायरी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो तो उसमें तो मैं बहुत ही सिलेक्टिव हूँ। हो सकता है कि गालिब वगैरह को बहुत पढ़ा है, गालिब को, मीर को, इनको मैंने, उन्हीं का कह रहा हूँ। हाँ, तो वो मैंने पढ़ा है उनको, लेकिन ये मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। शायद आपको लगा होगा और वो आपको वजह होगी तो मैं बहुत सीरियस, क्योंकि आपकी बातों को लेता मैं सोचूंगा। हो सकता है बिल्कुल हुआ हो, कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस में कुछ होगा। मैं आपको कहता हूँ क्यों, कि उर्दू शायरी में जितना अधिक एक किस्म के फिलॉसफी का डायमेंशन होता है, मतलब कोई बात आपने कही की बात होती है ना, और आपकी राइटिंग में भी वो फिलॉसफिकल डायमेंशन बड़ा गहरा है, वो लोग आमतौर पे उसमें आपके अध्ययन को कारण मानते हैं, जो होगा भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो शायरी में जो एक ये डायमेंशन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है उर्दू शायरी, जो दूसरी जुबानों में भारत के उतना नहीं है, कम है, वो सेंसुअल ज्यादा होती है, जबकि उर्दू की शायरी फिलोसफिकल ज्यादा है। ये मैं गुण और दुर्गुण के आधार पर नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ एक लक्षण डिस्क्राइब कर रहा हूं। जी, लेकिन वो फिलोसफिकल, वो मेरा ख्याल है कि एक ही आइडिया था फिलोसफिकल उनके पास, वो वैदुल वजूद वाला, हाँ, या वो तसव्वुफ वाला। आप ये नहीं कह सकते कि जैसे वो आगे चलते फिलोसफी इनके अलावा जो मतलब रैशनलिज्म है या जो आइडियलिज्म है वो नहीं है। वो असल में एक फैशन की तरह भी था उस वक्त। ये था ना कि शेर कहने के लिए ये बहुत खूब है, यानी तसव्वुफ बराए शेर उतना खूब है, ये भी कहा गया कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप ये कहें। तो उसमें कभी पता भी नहीं चलता था कि क्या हकीक मजाजी है और क्या मतलब वो इसके हकीकी है और क्या वो इसके मजाजी है। तो ये भी कहा। बाकी तो देखिए गया है कि मैं ये मानता हूँ कि जहाँ तक दरिदा ने एक जुमला कहा था, मुझे बहुत उनका पसंद आया था, कि हम बराबर दर्शन से साहित्य की तरफ तो साहित्य से दर्शन की तरफ आते रहते हैं, और दरअसल दोनों किनारे ये, लेकिन किसी किनारे से ऐसा नसीब नहीं होता, हम दरअसल बराबर बहते रहते हैं। मुझे बार बार ये महसूस हुआ। दूसरी चीज ये कि अच्छा ज्यादा फर्क नहीं है कहीं, ये जो फिलॉसफी है और जो लिटरेचर है, खासतौर से फिक्शन या शायरी या आर्ट, तो जो वहाँ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, अमूर्त विचार है, यानी फिलॉसफी में हालांकि अमूर्त विचार है लेकिन बड़े काम के हैं, लेकिन वो विचार है। तो वो जो आइडिया है वहां पर, आइडियो को जब इंप्रेशन की शक्ल में पेश किया जाता है तो ये लिटरेचर में हो जाता है। यानी वहां जो आइडियाज हैं दे चेंज इनटू द इंप्रेशंस, तो यहाँ उनमें इंसानी सरोकार मिल जाते हैं आने के बाद। तो वहां तो खुशी एक आइडिया की तरह है, दुख एक आइडिया है, निजात एक आइडिया है, लेकिन जब एक आदमी बैठ कर रोता है या एक बच्चे के रोने की आवाज रात में हम सुनते हैं तो हमारे दिल पे क्या बीत, अलग है। बच्चे के रोने की आवाज जो है उसको भी डिफाइन किया गया साइकोलॉजी में, उसको भी डिफाइन किया गया है फिलॉसफी में, दुख को भी डिफाइन किया गया है फिलॉसफी में। लेकिन दुख को जानने के लिए मुझे लगता है दुख को झेलना पड़ता है, या प्रेम को भी करने के लिए प्रेम को करना पड़ता है। ऐसे आप प्रेम कविता भी नहीं लिख सकते, ऐसे आप दुख की कविता भी नहीं लिख सकते। तो ये हुआ है। तो दोनों चीजें जो है वो है बिल्कुल एक दो किनारे हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जान बूझ के वो भी नहीं हुआ। वो एक ट्रेनिंग थी, एक उनके था मैं, और ये कहिए कि जो फलसफा है इसमें बाकायदा तालीम तो मैंने बाद में हासिल की। जब मैं तो बीएससी कर रहा था तो मुझे तो मैं तो साइंस से गया हूँ फलसफे की तरफ। ये बिल्कुल उल्टा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं हिस्ट्री से या आर्ट से किसी चीज से फिर मैं फलसफे की तरफ आया हूँ। मैं फलसफे पे इसलिए पक्का हो गया कि मैं साइंस से गया था, इसलिए फिर साइंस से डर ही मेरा निकल गया बिल्कुल। मैंने कहा बहुत कुछ भी नहीं, क्वांटम फिजिक्स पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे इधर जाना चाहिए, है ना, वो सारी चीजें जो थी। तो वो मुझे लगा कि हर जगह वो डीएस लॉरेंस ने बहुत उमदा बात लिखी है अपना, जो उसने एक आर्ट ऑफ द नॉवेल करके उसकी भी किताब है, मतलब आर्ट इज नॉवेल, उसमें उसने लिखा है कि अगर हम किसी फन पारे में से कोई गहरी मेटाफिजिक्स नहीं निकाल सकते। उसने तो मेटाफिजिक्स का नाम दिया है, उसने तो फिलॉसफी भी नहीं लिया, क्योंकि फिलॉसफी की तो ब्रांचेज में मेटाफिजिक्स भी है, इपिस्टेमोलॉजी भी है, उसमें लॉजिक भी है, उसमें तो बहुत चीजें हैं।
उसमें एस्थेटिक भी है, उसमें एथिक्स भी है। वो उसने कहा कि अब तक हम वो नहीं निकाल सकते इसमें से कोई बहुत बड़ी मेटाफिजिक्स, तब तक बिल्कुल जैसा मिलान कुंडेरा ने कहा था, बिल्कुल मिलान कुंडेरा ने कहा था कि अगर आप इंसानी जिंदगी की कोई छुपी हुई कोई हिडन डायमेंशन जो है उस पर रोशनी नहीं डालना है तो आपका नाम ही लिखना बेकार है, वो भी यथार्थ का ही जादू है, वो यथार्थ ही है। ऐसे ही उन्होंने कहा था कि अगर उसमें से कोई आइडिया नहीं निकल के आ रहा है, कोई मेटाफिजिक्स नहीं निकल के आ रहा है, लेडी चैटलिस लवर जैसा नाविल जिसको लोगों ने उस पर बैन हुआ, उसको उसमें भी वो सब चीज मौजूद है ना। एक उसकी स्टोरी है बहुत ही मशहूर डियर लॉरेंस की, उसके भी उसने शुरू में लिखा है कि इसको आप मेटाफिजिकल तरीके से देखिए, वैसे सामने की है कि एक औरत है और वो एक मॉडर्न सिटी में है, लंदन में वो है, और वो एक दिन, उस कहानी का नाम है द वुमेन हु रैन अवे, उसका नाम ही है ये द वुमेन हु रैन अवे। और वो उसको उसका वो शौहर उसको कहीं लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाती है, और लेके वो कहीं पता नहीं कहाँ शौहर उतर जाता है कुछ काम करने होते, वो इंजन में से कुछ पानी वानी लेने के लिए, वो औरत वहां बैठी रहती है, और इसी बीच में वहां पे कुछ जंगली लोग जो है वो आ जाते हैं, मतलब ट्राइबल वहां आ जाते हैं और उसको ले जाते हैं, उसको स्त्री को उठा के। अब वो जा रही है और वो उस वक्त तो वो बहुत ज्यादा घबराती है, वो जाने के बाद मालूम होता है कि नहीं ये इसको तो कुर्बान किया जाए, तो वो और वो बहुत बड़ी इज्जत के साथ उसको ले जाते हैं कि आज बहुत दिनों बाद जो है वो ऐसी सुंदर स्त्री मिली है जिसको तो कुर्बान किया जाएगा। तो वो अल्टर के ऊपर ले जाके उसको, उस वक्त उसका डर एकदम गायब हो जाता है। नारायण सिंह ये लिखा है कि उस समय जब उसको कुर्बान गाह के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसको काटने के लिए छुरियां और कुल्हाड़े आते हैं, वहां वो इतना अपने आप को आजाद महसूस करती है जैसे इस कॉस्मिक पूरे उससे उसका रिश्ता जुड़ता चला जा रहा। तो इस तरह की चीजें बहुत है यहाँ पे कि ये आइडियाज अगर नहीं होंगे तो खाली खोली वो फोटोग्राफी से तो काम बनेगा। जो मतलब जैसी जिंदगी है, जैसी जिंदगी आपको नजर आ रही है उसका वैसा ही नक्शा खेल देना, ये तो नहीं चलेगा। ये तो दोला तक किया जो है, यही तो कमी थी दोला की कि जिसने उसको दोस्तोव्स्की के बराबर नहीं, या ये कहना चाहिए कि फ्रांसिस के बराबर नहीं बनने दिया, यही तो बात है, वरना तो लिखने वाला तो अच्छा था। अब आप अगर कोई पूछना चाहें खालिद से कुछ तो आगे भी पूछ सकते हैं। सर अभी ये सर अभी आपकी आपकी नसर पर शायरी के असरात की बात हो रही थी और वो बात फलसफा वहदतुल वजूद तक पहुंची, कहीं ऐसा तो नहीं कि फलसफा वहदतुल वजूद और वजूदियत जब इंसान में आती है और तो उसके डांडे मिल जाते हैं और उससे जो जिस इस्तराब का इजहार होता है उसकी वजह से ऐसा लगता है? एक तो ये सवाल है, और दूसरा सवाल ये है कि नेमत खाना 2014 में लिखा गया है, 21वीं सदी का अलमिया ये है कि ज्यादातर उर्दू वाले जाहिर है कि अपनी मजलूमियत बयान करते हैं, लेकिन आपने जुमे की नमाज के बाद का जो वाकया दर्ज किया है उसकी क्या वजह रही कि इस सदी में जबकि एक अकलियती कौम की पूरी मजलूमियत आया है, उस जमाने में आपने एक पंडित को मुसलमानों को मारते हुए दिखाया है, उसके पीछे पंडित को मुसलमान बच्चे तो ये सवाल। अरे ये तो आपके दोनों ऑब्जर्वेशन आना है, तो वो पहला वाला जो आपका सवाल था ना, मैंने कहा ना कि उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, मुझे अपना देखना पड़ेगा नैरेटिव कहां से आया है, क्योंकि अभी आपने भी कहा और आपने उसकी वजह बताई, वो भी एक एंगल हो गया, मैं देखूंगा उस सिलसिले से। लेकिन दूसरा जो आपका सवाल है वो यही है, जुमे की नमाज का इन्होंने जो वो किया है उसमें नेमत खाने में एक जगह पूरा वर्णन है कि वो जो गुड्डू मियाँ है वो तो जब जुमे की नमाज या ईद की नमाज या कोई भी नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो उसको लगता है छोटे छोटे बच्चों को जिनके ऊपर नमाज फर्ज ही नहीं, मतलब अभी उनको नमाज उनके ऊपर फर्ज हुई नहीं है, उनके लिए नमाज पढ़ना वाजिब ही नहीं, लोग उनको ले आते हैं साथ में अपने और बाकी ले आते हैं, और ये होता है कि इसके जरिए इनकी तरबियत होगी साथ। अब ठीक है वो किसी जमाने के अंदर होता होगा, वहां पे जब तरबियत इस तरह भी हो जाती होगी या बड़े अच्छे शरीफ लोग बसते होंगे। अब ये है कि वो वहां पे जो बच्चे हैं वो वहां ये करते हैं कि भाग रहे हैं, वो तो नमाजियों का ध्यान जो है वो छूट रहा है, वो नमाजियों का
यानी कुर्ता पहन के भी खींच रहे हैं, वो वहां पर चीख रहे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। तो वहां मैंने लिखा था कि बच्चों के होशियार हो, मतलब जैसे मैंने बच्चे के लिए कहा कि ये बड़ी बहुत ही मतलब खतरनाक जगह है, यहाँ फैजान मुकीम बैठे हैं, ये जरा सा तुम खड़े हो फैजान, ये इस बच्चे ने सर यहाँ पे इंग्लिश डिपार्टमेंट में हमारे ऊपर PhD की और सबमिट हो गई है, तो इसका एक आर्टिकल है जो लिखा है, अगर तुम उसका नाम बताओ। ये पूरा आर्टिकल इनका जो है वो अच्छा। थाने के हवाले से मैं ये हाँ, बीवेयर ऑफ चिल्ड्रन, बीवेयर ऑफ चिल्ड्रन, हाँ। तो वो बच्चे जो है वहाँ करते हैं, वो जुमे की नमाज हो रही है, बच्चे बाहर निकले तो एक पंडित जी जो थे वो चूरन बेचने के लिए आया करते थे, मोहल्ला मतलब मोहल्ला था वो, क्या हिंदू का मोहल्ला, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, कैसे वो चूरन बेचते थे। तो उस दिन जो थे वो जब मतलब धीरे धीरे जो जहर फैल रहा था फिजा के अंदर, वही है वो, मैं उसको साफ साफ नहीं दिखाता हूँ आगे के बिल्कुल। तो वो एक बच्चा उठा के उसके वो मारता है, वो एक ईंट मार देता है जिससे कि उनके पंडित जी जो होते हैं वो चूरन, अच्छा वो चूरन जो थे बड़े प्यार से बच्चों को दिया करते थे, कोई पैसा दे या ना दे तब भी खट्टी मीठी गोलियां होती थी, मीठे चूरन होते थे, तो वो सबको आओ बेटा आओ बहुत प्यार से, वो बूढ़ा हो गया था वो आदमी, वहीं पे चूरन बेचते थे। और जो नए बच्चे जो पैदा हुए थे, जो नए नए जो मतलब कहना चाहिए कि है ना कि नए नए मतलब धार्मिक हुए थे वो बच्चे, है ना, या उन्होंने अपने धर्म को नए तरह से समझा था, क्या पता मतलब किस तरह रिवाइव किया था उन्होंने, और वो ईंट ईंट उसके जो मारते हैं तो उसके सर पे लगती है तो खून निकल के वो वहां मर जाता है। तो इसी बेस पे फिर आगे टर्मिनल हारमोनी जो थी फिजा वहां की शहर की, तो वो बिगड़ती है और बहुत भयानक वाला फिसाद हो जाता है। तो उसकी तरफ इन्होंने इशारा किया है कि आज के दौर में आपने ये लिखा तो आज के दौर में मुझे लिखना चाहिए, ये उस जमाने में तो आप बिल्कुल लिख ही नहीं सकते थे, जो वो चूरन वाला जो था वो फैटी मीठी गोलियां सबको बांटता था। ये एक इससे आप बिल्कुल अलग संदर्भ में मिलान कुंदेरा ने भी उसका जो बुक ऑफ लाफ्टर फॉरगेटिंग है उसमें बच्चों का कुछ जिक्र है, उसमें उसने बच्चों की तुलना जो आइडियोलॉजिकली ड्रिवन स्टेट होती है जो कोई भी हो सकती है राइट लेफ्ट, उसमें जो शासक है और जो उनकी सो कॉल्ड फ्रिंज होता है, सब आइडियोलॉजिकल स्टेट्स में फ्रिंज होते हैं, तो वो बच्चों की तरह ही व्यवहार करते हैं तो वही जाने बगैर है ना। हाँ तो ये भी है कि वो वहां तो बच्चे ने मारा था जो भी हुआ, लेकिन बाद में जितने लोग लड़ पड़े वो तो उन बच्चों से भी बदतर थे ना, बात तो ये है जो लोग लड़ पड़े। और अब बहुत सारे भी न्यायाधिक फिलोसोफर को सुन रहा था, उसने कहा कि जो टोटलिटेरियन समाज होता है उसका पहला लक्षण ये है कि उसमें प्राइवेट और पर्सनल के बीच का जो फासला है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि टोटलिटेरियन समाज जितनी भी तरह के हुए हैं अब कम्युनिस्ट समाज या फैशिस्ट उनमें नहीं होता था। और मिलान कुंदेरा ने लिखा है उसमें वो झांक लेते हैं बच्चे भी, बैठी है टोमिना और वो टॉयलेट में भी झांक रहे हैं। मैंने केवल दो राइटर्स पढ़े हैं, एक आपका बच्चों को लेके वो जो करते हैं जिसमें उन्होंने लिखा वो ठीक है, बेबे चिल्ड्रन इनका आर्टिकल। आप कोई और सवाल? जी आप एक वो ले लीजिए माइक। सर जैसे अभी सर विनय सर ने भी बात की कि आपके फिक्शन में शायरी की वो मिली, और इनका सवाल भी था बल्लाज कोमल का एक मजमून भी है शायरी और फिक्शन की टूटती हद बंदियां। आपने भी सर क्लासरूम्स में लेक्चर्स के दौरान कहा है कि अभी जो ट्रेंड एक चल रहा है जिसमें काफ्का के अफसानों को भी शायरी की तरह पढ़ा जा रहा है और शायरी को भी फिक्शन की तरह पढ़ा जा रहा है, जैसे एक शेर है तो उसमें नैरेटर भी है, उसमें एक सूरत हाल भी है और उसमें एक वाकया भी बयान हो रहा है। और सर जैसे कि हम जानते हैं कि आप भी शायर हैं, नज़में कहते थे और जल्द ही आपका नज़मों का मजमुआ भी आने वाला है ड्रैकुला के नाम से, तो सवाल ये था सर कि आप फिक्शन और शायरी के दरमियान जो एक हद है इस सूरत हाल के दरमियान, आप सर क्या ख्याल करते हैं उसकी हदबंदी के, क्या उसकी जरूरत है और है तो क्या है वो इस वक्त? वो भाषा की बात है जहाँ पे है ना, कि हदबंदी वाली बात जो है वो भाषा तय करेगी। अभी मैंने पढ़ा था कि काफ्का की कहानी, दो तीन काफ्का की कहानियां, दो तीन मार्सल प्रोस के वो जो उनका वो लंबा नावेल है उसमें से कुछ चीजें, कुछ जॉयस की चीजें, कुछ वर्जीनिया वुल्फ की चीजें जो फिक्शन की थी, उनको एक शायरी की किताब कहकर छापा गया बाहर लंदन से, उनको एक शायरी की किताब कहकर छापा गया। वो मतलब उनका वहां पे
शायरी मेरा मतलब है वो पोइट्री या पोइटिक्स जो है वो पोइटिक्स दोनों में उतनी ही होती है, यानी फिक्शन में हो और वो पोइटिक्स तो एक पेंटिंग में भी होती है, वो पोइटिक्स जो है वो मैं उसकी जो टूटती हुई हटबंदियां हैं वो बात है, और जो भाषा वाली बात है तो वो तो मैं इसका कह नहीं हूँ कि आप जो है वो फिक्शन लिखें और एक लंबी कविता वाकई वो बिल्कुल कविता की तरह हो, क्योंकि क्योंकि फिक्शन आप बगैर टाइम एंड स्पेस के नहीं लिख सकते, एक जुमला भी आप बगैर जमा और मकान के इस्तेमाल के लिख ही नहीं सकते। शायरी में ये आसानी है, आपको पूरी टाइम एंड स्पेस की जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो भाषा वाली बात है कि आप अगर वहां मेटाफर यूज कर सकते हैं तो यहाँ भी कौन रोक रहा है आपको मेटाफर यूज करने से, क्योंकि वो तो नीचे ने बहुत पहले कहा था कि जो लैंग्वेज अपने आप में है, लैंग्वेज इन मतलब इटसेल्फ इज द मोबाइल आर्मी ऑफ द मेटाफर ऑन द अर्थ, वो तो मोबाइल आर्मी अपने आप ही मेटाफर किए, हम जो बात कर रहे हैं इसमें भी मेटाफर रहे होंगे, इसमें भी सिंबल्स रहे होंगे, इस हवाले से। गुजराल साहब, हाँ गुलजार साहब कहते हैं, उन्होंने गाने भी लिखे हैं, स्क्रिप्ट भी लिखे, डायरेक्शन भी किया है, वो कहते हैं कि जो पोएट्री है वो टेक्स्ट होना चाहिए और टेक्स्ट पोएट्री होना चाहिए, तो कई बार जो गाने लिखते थे आर्टिकल कंपोज करते थे वो ये कहते थे कि आपके गाने ऐसे जैसे कोई अखबार हो, तो ऐसे गानों को कंपोज करना बड़ा मुश्किल है, तो क्या ये सही लगता है आपको, ये टेक्स्ट और पोएट्री का कन्वर्जन हो सकता है? उन्होंने तो करके दिखाया था ना, वो करके दिखाया, उन्होंने वो उनका एक मैदान है अपना, वो कर सकते हैं, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, आदमी कुछ भी कर सकता है, आदमी कितना खा सकता है। मैं ये जो पूरा नाम है नेमत खाना वो लिखा ही इसलिए है कि हमारे दोस्त बैठे खुर्शीद अकरम बड़े अच्छे कहानी का खुद ये हमसे कहते थे, यार एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि आदमी कितना खा सकता है और कितना पहन सकता है, उनका कहना ये था कि खाने के होटल खुले ही चले जा रहे हैं, खुले ही चले जा रहे हैं, और कपड़ा की दुकानें तो इतनी खुल रही जिसकी हद, तो वो आदमी देखिए कुछ भी कर सकता है, उन्होंने किया ठीक किया, लेकिन मैं इसके बारे में क्या बताऊं, मैं नहीं कर सकता, हर एक की कैपेबिलिटी होती है। उसमें ग्रंथ साहब ने एक लिखा है कि देंदा दे लेंदा थक पाए, जुगा जुगांतर खाए खाए। धन्यवाद। मुझे याद आया इस कविता और गद्य के उसको लेकर, एक बार हमने और नामवर सिंह ने ये तय किया यहाँ के बार में बैठे बैठे कि हमको गद्य से ऐसे अंश चुनना चाहिए जो अपने आप में कविता की तरह ऊपर उठते हैं या अपने सघन हैं, तो दो चार पांच याद भी किए कि जैसे ये, और ऐसे लोगों में याद किए जिनमें आसानी से आप कह सकते हैं कि अज्ञेय में या निर्मल में तो ऐसे अंश हैं, या वैद साहब में या कृष्णा सोपती में, लेकिन ऐसे भी याद किए जिनमें बिल्कुल जिसका संभावना नहीं नज़र आती है, पर ये संभव है। और अगर आपने कहा कि ऐसी किताब लंदन में निकली है तो अब हम हिंदी में भी ऐसी किताब निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास भी हम पहले से सोच चुके हैं और अब उसको अमल में लाने का मौका आ गया। बहरहाल बहुत बहुत आभार आप दोनों का और आप सबका। जैसा मैं ऐसे मौके पर कहता हूं, अब आप जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं।